अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के उत्तर कोरिया दौरा रद्द हो जाने से उत्तर कोरिया तिलमिला गया है। पोम्पियो के दौरा रद्द होने की जानकारी मिलने के बाद प्योंगयांग की सरकारी मीडिया ने वॉशिंगटन पर डबल डीलिंग और साजिश रचने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि सिंगापुर में 12 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की मुलाकात के बाद से बातचीत तो हुई है, बावजूद इसके गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। पोम्पियो ने उत्तर कोरिया पर परमाणु हथियार छोड़ने को लेकर ठोस कदम आगे बढ़ाए हैं, जबकि प्योंगयांग वॉशिंगटन से मांग कर रहा है कि वह पहले खुद इस पर सहमति बनाए। उत्तर कोरिया के अखबार ने कहा है कि जापान स्थित अमेरिका की स्पेशल इकाई प्योंगयांग में घुसपैठ के मकसद से हवाई ड्रिल कर रही है। अखबार के मुताबिक इससे जाहिर होता है कि अमेरिका DPRK के खिलाफ युद्ध के लिए साजिश रच रहा है। इसने कहा है कि हम अमेरिका के डबल डीलिंग रवैये को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि एक तरफ चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर वार्ता की जा रही है, जबकि लोगों की हत्या करने वाली स्पेशल यूनिट गुप्त अभ्यास कर रही है। हालांकि दक्षिण कोरिया में मौजूद अमेरिकी दूतावास का कहना है कि इसे ड्रिल को लेकर कोई जानकारी नहीं है, जैसा कि आरोप अखबार लगा रहा है।